पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है, ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में खास तैयारियां चल रही हैं। चर्चा है कि शासन की ओर से कुछ खास आदेश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कांवड़ मार्ग में आने वाली खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने का आदेश दिया है, जिससे दुकानदारों की पहचान हो सके। इस पर राजनीतिक मिजाज अब गर्मा उठा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसका जोरदार विरोध किया। ऐलान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है, तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं करने वाले, पर इनने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे, फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हकूक खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने का किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ। कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है, ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये